नंबर 26 में क्या दिया है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस अगर कॉस्ट प्राइस को डबल कर दिया एंड सेलिंग प्राइस को 660 से इंक्रीज किया देन प्रॉफिट कितने का होगा 20%। हमें बताना ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है। तो अगर हमने कॉस्ट प्राइस को 100 ले लिया, कॉस्ट प्राइस को ले लिया है 100, तो क्या हुआ 25% लॉस माइनस 25% के बाद सेलिंग प्राइस बच जाएगा कितना 75। फिर बोला कि ऐसा करते हैं कॉस्ट प्राइस को डबल करते हैं, सो न्यू कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 200। फिर बोला है कि सेलिंग प्राइस को 660 इंक्रीज करना है। देखिए 660 एक्चुअल वैल्यू है, यहाँ पे जो हमने 175 अज्यूम किया ये यूनिट्स है, एक्चुअल वैल्यू को हम यूनिट्स में ऐड नहीं कर सकते, ऐड करने के लिए हम एक्स वगैरह का यूज करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो यहाँ से 20% का प्रॉफिट होगा प्लस 20%। 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया आपका 5 नीचे 6 ऊपर, 6/5, तो कितना हो गया, अब 5 चौके 400, 40 छक्के 240, 240 हो गया। तो अगर 200 कॉस्ट प्राइस को डबल करके 20% प्रॉफिट पे बेचता है तो 240 में बेचना पड़ता है। ये जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितना है 25 मीन 100, 140, 165 एक्स्ट्रा हो गया। इस 165 का वैल्यू दिया है 660, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 का 64 20 4, तो हमें 100 का वैल्यू निकालना है ना, ये आ गया आपका 400। सो कॉस्ट प्राइस कितना है आर्टिकल का 400। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे जितने भी बेस्ट PYQ का है उसका डिटेल में सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। थैंक यू।